हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैगा भाई। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टाटा स्काई या फिर कोई सी भी आपके पास मतलब डीटीएच है, केबल है, आप उसका रिमोट अपने फोन में कैसे डाउनलोड करके अपने फोन से उसे कैसे मतलब एक्सेस कर सकते हो, अपने टीवी को या फिर एलसीडी को अपने फोन से कैसे एक्सेस कर सकते हो। या फिर मान लो आपकी नॉर्मल टीवी है उसका रिमोट खो गया, या फिर आपके पास डीटीएच वगैरह कोई भी केबल है, ठीक है, और उसका रिमोट या फिर खराब हो गया है, या फिर मान ली कुछ भी मान लीजिए आगे बात सोच रही है उसका फोन मतलब रिमोट खराब हो गया है और आपके पास अब उसका रिमोट नहीं है, तो आप उसे फोन से भी कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, फोन से उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं सारा कुछ बताऊंगा। एक एप्लीकेशन मतलब मान लीजिए आपकी मतलब टाटा स्काई की मतलब छतरी है, केबल है, तो आप जाइए प्ले स्टोर पर और टाटा स्काई का मतलब ऐप डाउनलोड कीजिए, टाटा स्काई रिमोट, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो में सारा कुछ बताऊँ, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपने टीवी या फिर जो डीटीएच है उसे एक्सेस करने के लिए मान लीजिए मेरे पास टाटा स्काई, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, यहाँ पर पहले मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने सारे जो प्ले स्टोर है वहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा फोर यू में जो भी मेरा पहले था, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा टाटा स्काई रिमोट, ठीक है। आपको जिस भी आपका मतलब मान लीजिए आपको एयरटेल का मतलब डीटीएच होता है तो वैसे ही आपको टाइप कर देना, यहाँ पर लिखना है एयरटेल रिमोट, ऐसी जो भी छतरी है आपको उसका रिमोट डाउनलोड कर देना है। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मेरा ये आप देख सकते हो मेरा डाउनलोड मतलब होने लगा है, ठीक है दोस्तों, ये वेटिंग ले रहा है, मेरा डाउनलोड मतलब लगभग हो ही चुका है। तो मेरा डाउनलोड हो आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग हो रही है इसकी, और मेरा डाउनलोड हो सका तो मैं इसे ओपन कर लूँगा यहाँ से जैसे मैं इसे ओपन करूँगा मेरे सामने मतलब सारे एयरटेल के जो मतलब टाटा स्काई के रिमोट है वो सारे आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास 7 रिमोट आ गए, और जो भी आपके मतलब घर पर रिमोट हो टाटा स्काई का उसे आप चूज़ कर लीजिए। मेरे घर पर ये वाला रिमोट है तो मैं यहाँ चूज़ करूँगा, और आप यहाँ पर इसे वाइब्रेट पर कर लीजिए 3 आइकन पर जाकर, यहाँ से मैं करूँगा इसे क्लिक, वाइब्रेट पर कर लीजिए या फिर मत करिए इसे, आपका ये वर्क करे, वर्क ये तभी करे कि आपके फ़ोन में यहाँ पर एक सेंसर होता है, ये आगे वाला सेंसर होना चाहिए, और बाकी ये 100% ये मतलब वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा ये फ़ोन आराम से, ये रिमोट आराम से वर्क करेगा। आपके जो भी टाटा स्काई का सपोर्ट है सपोर्ट आराम से करेगा, बस आपका टाटा स्काई में जो भी रिमोट आपका सपोर्ट करता है उसे आप मतलब कि यहाँ से चूज़ करिए। जैसे मेरे टाटा स्काई में ये वाला रिमोट सपोर्ट करता है, मैं इसे यहाँ चूज़ करूँगा। और ये सबसे बड़ी बात, ये रिमोट एकदम ऑफलाइन है, आप इसे ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो। आप इसे आपका मतलब कि ये तभी सपोर्ट करेगा, आपके फ़ोन में आगे सेंसर होना चाहिए तभी ये सपोर्ट करेगा, वरना ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। किसी कर जाता है, वैसे नहीं करता है। आप बात आती है टीवी कैसे कंट्रोल करें, तो आपको टीवी का एक आइकन दिखाई दे रहा हो, आप उस पर क्लिक कर दीजिए एक बार। मैं यहाँ पर उसे उस पर क्लिक कर दूँ, इसे ऐड कर देता हूँ मैं कट, तो मैं यहाँ पर टीवी का रिमोट भी यहाँ पर आ चुका है, ये है हर एक टीवी में सपोर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे आप अपने मतलब जो टीवी है उसे भी कंट्रोल कर सकते हो तो आराम से, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने फ़ोन में टाटा स्काई का जो भी रिमोट है, एयरटेल का जो भी, उसे रिमोट को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दूँ। चलिए दोस्तों मिलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।